मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है, आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग, चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के, मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला भोला है, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो, जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे, ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वही ज्यों का त्यों है। सूफी आए संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे, आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए संत आए, और भटकते इंसान को मतवाला इंसान को, जो बाण को बाण नहीं समझता, माँ को दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत दुनिया माल खजाना, दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे प्लीज प्लीज, लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यही, अरे बन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए, अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके, बैठ जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लाल लालू प्रसाद जी, लालू प्रसाद बता है, हाथ पसारे जाएंगे ऊपर, बैठे बैठे बैठे। मान्य दिन दशा आपके 13 महीने के शासन में, मुझे अफसोस है 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौर साहब के कपड़ा में लता में, अरे भाई रुको ना भैया सुनो करुणा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं, जौर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए, अरे भाई फटा, यही स्थिति उनकी रह गई, अब उनका क्या दोष हो सकता। तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ जौर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। तो जौर साहब के मामले में जो भ्रष्टाचार पर सोच है, जो बताते रहे हैं हम लोग को, जेल भेजवाते रहे हैं, राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री जिसका मुकदमा में नाम नहीं हो, अपमान कराते रहे हैं, राबड़ी देवी मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे साथ में, प्रधानमंत्री जी ने माना कि बहुत गलत काम हुआ, तो मैं फिर आऊंगा। आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है पशुपालन स्कैम, आएगा दूध का दूध पानी का पानी, जैसे सारे बैठे हुए लोग, अब बचा कौन है इस मुल्क में, कौन बेदाग बैठा है। और मैं इन चीजों को आज कोई छेड़छाड़ कोई बात नर्व्स के खिलाफ मैं जाना नहीं चाहता हूं, बातें दबाई नहीं जा सकती है,
चाहे जितनी बातों को हम जहां भी थापर साहब के टीवी में या जहां भी हम कोई बातों को कह डालें, बात दबती नहीं है, अभिलेख मिटता नहीं है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने चिंता जताई और इतिहास को, अडवाणी जी गृह मंत्री जी ने गृह को खराब किया है, आपका जो गृह है उन्होंने खराब किया है, और आप मतवाले की तरह, आपका ज्यादा दोष नहीं है। मैं किसी को अपमान करने के लिए नहीं कहता हूं, मैं जन्म लिया था फुलोरिया गांव गोपालगंज में, फुलोरिया गांव में, तो हम लोग को मालूम नहीं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। तो ये गोसाई लोग एक ऐसा रखते थे पशु बैल, आंख पर मांसा है, पीठ पर पैर है, बहुत छोटा नाटा है, जिसको नादिया बोलते उत्तर प्रदेश में, हम लोग अपने यहां बसहा बैल बोलते, भोला बाबा शंकर बाबा का अवतार माने बसहा बैल। और वो जो गोसाई है कपड़ा उपड़ा उड़ा के और हजारों चित्ती कौड़ी उसमें साठ के रखता, गेरुआ बस्तर पहन लेता, और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं देखिए इसी रूप में रहता। वो बेचारा गरीब है, वो लेके गांव गांव घूमता, मेरे गांव चलाया, मेरे पास मेरी माँ बैठा दी ओरी के नीचे खपड़ा घर के, देखो बाबा देखवा दो मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ। ये हम ही अकेले नहीं, लाखों लोग जो गांव से आते उनको इन बातों की जानकारी है। अब वो गोसाई बाबा दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के आगे करते कि इसमें नौकरी मिलेगा कि नहीं या इसमें नहीं मिलेगा, तो दोनों मुट्ठी जब आगे करता तो गोसाई बाबा बोलता, बोलो भोला देखो देखो इसके हाथ में क्या लिखा है। तब बैल का स्वभाव है बसहा का कि जब मुट्ठी बढ़ाइएगा तो समझेगा कि कुछ खाने को दे रहा है, तो कभी बाएं में कभी दाएं में सूंघता। आ जब वो भोला बाबा समझ जाता चेतनशील है कि हमको ठग रहा है गोसाई, तो बोलते रहता पीठ ठोकते रहता, नहीं आता है सूंघने के लिए हाथ मुट्ठी, तब गोसाई पीछे से खोदता, तब वो झांझे झांझे घंटी करके, महोदय मैं अपमान का नहीं, आप कभी कभी बढ़ते थे कोई काम करने के लिए लेकिन फिर रिवर्स गियर में चले आते, जो नादिया का हाल रहा वही 13 साल में आपको नागपुर ने और एलआईओ ने हाल करके आपका रखा, ये है रखा 13 महीना। आपको एक मौका था, आप कांग्रेस की बात करते, सीपीआई सीपीएम की बात करते, जॉर्ज साहब वहां बैठे हैं, सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का, हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now